गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में परमाणु की बेसिक संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके सेकंड टॉपिक डी ब्रोगली सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस सिद्धांत और इन द्रव्य कणों की खोज की थी। उन्होंने प्रकाश की प्रकृति के बारे में हमें बताया था कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति दो तरह की होती है, एक तो प्रकाश की प्रकृति तरंगी होती है, दूसरी प्रकाश की प्रकृति कणीय स्वरूप में होती है। जब प्रकाश की प्रकृति तरंगी होती है तो उसमें तरंग गुण पाए जाते हैं और वो एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। इसकी गुणों को हम विवर्तन और व्यतिकरण द्वारा समझ सकते हैं। प्रकाश विवर्तन का प्रभाव शो करता है और व्यतिकरण का प्रभाव शो करता है, इसलिए प्रकाश में तरंगे गुण होते हैं। और प्रकाश जब प्रकाश विद्युत प्रभाव या क्वांटम प्रभाव प्रदर्शित करता है तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की प्रकृति कणीय होती है। तो प्रकाश की दोनों प्रकृति होती है, तरंगे भी और कणीय भी। तो प्रकाश की तरह ही अगर कोई और गतिमान कण हो, कोई कण जो कि गतिमान हो, तो उसकी प्रकृति कण के साथ साथ कैसी होगी, तरंगे भी हो जाएगी। जैसे प्रकाश की प्रकृति तरंगे और कणीय दोनों हैं, वैसे ही अगर कोई कण गतिमान है तो उस कण की कणीय प्रकृति के साथ साथ उसकी तरंगे प्रकृति भी प्रदर्शित होंगी। जैसे कि क्योंकि हमारा ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में गतिमान कण क्या है, गतिमान कण है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति का हम इसमें अध्ययन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब गतिमान है तो वो कणीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है या तरंगीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के गतिमान होने के कारण या किसी द्रव पदार्थ के गतिमान होने के कारण तरंगीय गुण प्रदर्शित करने की खोज सबसे पहले की थी डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली वैज्ञानिक का नाम है, तो उन्होंने की थी। इसलिए इन कण के साथ साथ तरंगे गुण प्रदर्शित करने को डी ब्रोगली तरंगे या द्रव तरंगे भी कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगे या द्रव तरंगे भी कहते हैं। थैंक यू।